नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। तो चलिए चलते हैं कहानियों की ओर। ये बात है सन 1999 की, जब वेंकटेश कोची में रहता था। वो एक अच्छा राइटर था, उसने कई सारे नॉवेल लिखे थे और उसके सारे नॉवेल्स लोग काफ़ी पसंद करते थे। और वेंकटेश बहुत मेहनती भी था, वो बहुत मेहनत करता था, इसलिए उसके नॉवेल्स के लोग दीवाने थे। पर कुछ समय बाद उसके नॉवेल्स की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगी। अब पहले की तरह उसके नॉवेल्स लोकप्रिय नहीं थे। अभी भी वेंकटेश उतना ही मेहनत करता था, पर तब भी उसके नॉवेल्स पहले के जैसे लोकप्रिय नहीं रहे। कुछ दिन बाद वेंकटेश काफ़ी डिप्रेस हो गया, उसने नॉवेल लिखना भी छोड़ दिया। वो हमेशा दुखी रहने लगा। उसकी ये हालत देखकर एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, भाई तू कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट पर नॉवेल्स लिख, क्योंकि लोग अब लव स्टोरी पढ़ना नहीं चाहते। तेरी नॉवेल्स तो अच्छी होती हैं, पर लोग अब उब चुके हैं इन सब से। फिर वेंकटेश ने कहा, तो फिर कैसी कहानी लिखूं? उसके दोस्त ने बताया, कुछ डिफरेंट टॉपिक ट्राई कर, जैसे थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर। ये बात वेंकटेश को भी काफ़ी पसंद आई। उसने दोबारा लिखना शुरू किया। कुछ दिन बाद उसका एक सस्पेंस नॉवेल पब्लिश हुआ। वो नॉवेल काफ़ी लोकप्रिय हुआ। वो नॉवेल इतना फेमस हुआ कि वेंकटेश को एक अवार्ड भी मिला। अब वेंकटेश पहले से भी ज़्यादा फेमस हो गया था। फिर एक दिन एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर ने वेंकटेश को कॉल किया और हॉरर स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा। वेंकटेश उत्साहित होकर फिर से लिखने बैठ गया, पर उसके दिमाग में कोई अच्छी कहानी नहीं आ रही थी। इसके 2-3 दिन बाद उसने ये सोच लिया कि यहाँ रहकर कुछ नहीं हो सकता, उसे एक शांत माहौल चाहिए था। इसीलिए वेंकटेश ने तय किया अपने गांव जाने के लिए, और कुछ ही दिनों में वो अपने गांव के लिए निकल पड़ा। वेंकटेश का गांव काफ़ी जंगली इलाके में था और काफ़ी अनडेवलप्ड भी था। वेंकटेश अपने गांव में पहुंच गया था। अब भी उसका गांव पहले की ही तरह था, कुछ नहीं बदला था। वो अपने पुश्तैनी मकान में जाकर रहने लगा। गांव के कुछ अच्छे लोगों ने घर को साफ कर दिया और रहने लायक बना दिया, क्योंकि वो मकान कई सालों से बंद था। एक बूढ़ी औरत घर में उसके लिए खाना बना देती थी। अब वेंकटेश ने फिर से अपनी कहानी लिखना शुरू किया, पर अब भी उसे कोई अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन शाम को वेंकटेश जंगल की ओर टहलने चला गया। जंगल में उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी हवाएं, जंगल की वो खुशबू उसे मदहोश करने लगी। कुछ ही देर में ही वो बैठे बैठे वहीं सो गया। जब उसकी नींद खुली तो चारों ओर अंधेरा हो चुका था। फिर वो उठा और गांव की ओर वापस बढ़ने लगा। उसे पेड़ों की टूटने की आवाज़ें आने लगी। वेंकटेश रुका और इधर उधर देखने लगा, पर वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। कुछ देर और आगे जाने के बाद वेंकटेश के पैर रुक गए, क्योंकि अचानक उसकी नज़र सामने के एक पेड़ पर पड़ी। उसने देखा सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत पीछे मुंह करके खड़ी है। पहले तो वेंकटेश काफ़ी डर गया था, पर कुछ देर बाद संभलते हुए उसने कहा, कौन है वहाँ? कौन है आप? पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वेंकटेश धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। अब वो औरत वेंकटेश से बस 5-6 कदम ही दूर थी। तभी अचानक से उस औरत ने अपना सर एकदम से पीछे मोड़ दिया, और ये देखकर वेंकटेश डर के मारे वहीं जम गया। उस औरत ने वेंकटेश का गला पकड़ लिया। अब वेंकटेश की आँखें बंद हो रही थी, तभी एक लड़की वहाँ अचानक आ गई, और उसके आते ही उस बूढ़ी औरत ने वेंकटेश का गला छोड़ दिया और देखते ही देखते गायब हो गई। फिर उस लड़की ने वेंकटेश को पानी के छींटे मारे, तब जाकर उसे होश आया। वेंकटेश तो उस लड़की को देखता ही रह गया, वो बहुत ही खूबसूरत थी। फिर वेंकटेश ने उस लड़की को शुक्रिया कहा और उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा। उस लड़की ने कहा, वो कोई आम औरत नहीं, वो एक यक्षी है, और वो इसी जंगल में ही रहती है। रात को यहाँ से हर आने जाने वाले को
अपना शिकार बनाती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मैं यहाँ सही वक्त पर आ गई। ये सब सुनकर वेंकटेश ने कहा, वो यक्षी ने तुम्हें क्यों कुछ नहीं किया? फिर उस लड़की ने कहा, ये सब छोड़ो फिलहाल, चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। फिर वो लड़की वेंकटेश को अपने जंगल में बने एक कुटिए में ले गई। वेंकटेश तो बस उस लड़की से सम्मोहित ही हो गया था। फिर उस लड़की ने वेंकटेश को एक जगह बिठाया और कहा, तुम यहीं थोड़ा आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। फिर वहाँ वेंकटेश लेट गया। पास वाले कमरे में कुछ बर्तन की आवाज़ें आ रही थी। अब फिर से वेंकटेश को बेहोशी सी छाने लगी। वो बेहोश होने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वेंकटेश ने देखा तो उसका गांव का एक दोस्त नरेन था वहाँ। नरेन ने उसे आवाज़ ना करने का इशारा किया और धीरे धीरे उसे कुटिया से बाहर ले गया। बाहर जाने के बाद नरेन ने वेंकटेश को कहा, तुमने जिस लड़की को देखा वो भी एक यक्षी है, वो दोनों तुम्हें मिलके कच्चा खा जाते। पर वेंकटेश कहाँ मानने वाला था, वो तो उस लड़की से प्यार करने लग गया था। फिर नरेन ने वेंकटेश को ले जाकर एक चट्टान के पीछे छुपा दिया। फिर कुछ देर बाद वही खूबसूरत लड़की वेंकटेश को ढूंढते हुए बाहर आई। वेंकटेश को ना पाकर वो एकदम से आग बबूला हो गई और देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। ये सब देखकर वेंकटेश का सर चकरा गया। कुछ देर चिल्लाने के बाद वो यक्षी वहाँ से गायब हो गई। नरेन और वेंकटेश सुबह तक वहीं रह गए। अगले दिन सुबह वो दोनों वापस गांव में लौटे। वेंकटेश ने पूछा, नरेन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जंगल में हूँ? नरेन ने कहा, तुम जब देर तक वापस नहीं आए तो मुझे लगा कि शायद तुम किसी यक्षी के चक्कर में ना पड़ गए हो, और किस्मत से मैं सही भी था। ये सब सुनकर वेंकटेश ने नरेन का शुक्रिया अदा किया। फिर वेंकटेश ने इस गांव के कहानी के ऊपर ही उसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी। तो ये थी दोस्तों यक्षी की एक कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में।